बहुत एक्साइटमेंट है. मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है संजय. आई कैन से दैट यू नो ही इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑन एंड ऑफ सेट. एंड हम लोग बहुत टाइम स्पेंड करते थे. बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बर्थडे के लिए. वो भी बहुत एक्साइटेड था अपने बर्थडे के लिए. एंड आई होप कि बट अच्छा जाए, सब लोग आएँ, धूम मचाएँ एंड लेट्स हैव अ गुड टाइम इनसाइड. यस एग्जैक्टली. अभी जस्ट मेरा बर्थडे गया. अब कपूर साहब का भी बर्थडे आने वाला है. मेरा भी है. सो बर्थडे सीजन स्टार्ट हो गया है एंड बहुत अच्छा लगता है जब बर्थडेज पे दोस्त लोग एक साथ होते हैं, पार्टी करते हैं, इन्जॉय करते हैं. खुशी का मौका है तो खुशियाँ बांटने आए हैं, खुशियाँ लेने आए हैं. और बस ऐसे ही संजय को बहुत सारी दुआएँ, शुभकामनाएँ, एवरीथिंग टू हिम. गॉड ब्लेसेस हिम एंड उसको ऐसी नेक तरक्की और कामयाबी दे. आमीन आमीन. हमारा दोस्त ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, खूब तरक्की करे मेरा भाई. सरप्राइज नहीं, केक बनवाया जैसे मैंने लास्ट टाइम इसके लिए बनाया था. इसको दिखाया नहीं था तो मैं आप लोगों को फिर जूम करके दिखा देता हूँ. चलो मैंने केक जो बनाया और फिर मैं बता भी दूंगा कि वो क्या है केक. एक मिनट, ये रहा केक. सो लाइक यू गाइस कैन सी, इस पे उसकी रेड ऑडी है जो अभी अभी कुछ महीने पहले उसने खरीदी है, जिससे उसको बहुत प्यार है. डांसिंग बॉय जो जिन भाई उसको डांस है, अपने जुम्बा से बहुत प्यार है. और जो फिल्म का रील है, मैं उम्मीद करूँगा कि इस साल उसको एक बहुत अच्छी सी फिल्म मिले. बाकी स्टार तो वो है ही. तो ये सब एलिमेंट्स ये मैंने और पूनम ने की ऑडी भी है उसके. करेक्ट बोला मैंने, सबसे पहले बोला. हाँ सो ये ही मतलब विशेज हैं कि बहुत अच्छा करे. बड़ा इसको ये चीज़ों से तो बड़ा प्यार है. खाना डाल नहीं पाया मैं इसके अंदर बट यही थोड़ा सा स्वीट सा सरप्राइज था उसके लिए जो मैंने और पूनम ने मिलकर प्लान किया था उसके लिए. सो या थैंक यू. या मैंने एक चीज़ सोची कि यार जो मेरे क्लोज लोग हैं, मैंने आज तक सिर्फ 3 लोगों के लिए केक किया है. पहला का नाम मैं भूल गया, दूसरा इनके लिए, तीसरा संजय के लिए. तो मेरे को लगता है कि कुछ पर्सनलाइज जब चीज़ करते हो ना तो बड़ा एक वार्म सी फीलिंग आती है. एक छोटा सा एक जेस्चर होता है बस, कि जो आपके क्लोज वाले हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो उनके लिए कुछ स्वीट सा करो. सो बस मैं वही कर रहा हूँ कि मतलब यू नो इसके बर्थडे से भी दोबारा स्टार्ट किया बिकॉज ये मेरी बहुत स्पेशल है. संजय भी मेरा बहुत खास है तो मैंने चलो उसके लिए कुछ स्वीट सा. हम लोग इतना टाइम बताते हैं, हमको पता होता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, उसकी क्या इंटरेस्ट है, किस बारे में ज़्यादा बात करते हैं. तो अगर मेरा बर्थडे पे कोई केक बनाया तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि उस पर क्या होने वाला है. सो लाइक दैट इसका मुझे पता है. मैं इसको छेड़ा मैगी के लिए, मैगी के लिए बहुत छेड़ा और मिर्ची के लिए छेड़ा और हमारी फोटोज़ लगाई. सो सिमिलरली इसको अपनी रेड ऑडी से बहुत प्यार है और डांसिंग का बहुत शौक है और ऑब्वियसली शूटिंग का. सो ये तीनों सारी चीज़ें मिला के हम लोगों ने प्लान किया था. हाँ जी, शूटिंग का ऑफ तो है बट सुबह 7 बजे की है हम दोनों का शूट. तो एक्साइटमेंट उतनी है. सुबह जाके काम करेंगे, अभी पार्टी करेंगे, बैलेंस करेंगे अच्छे से. विश संजय हैप्पी बर्थडे एंड वी बोथ लव यू अ लॉट. Advance. We are bringing in today. We are bringing. Yeah. No problem. That's okay. मेरा बर्थडे आने वाला है. Right. Exactly. तो क्या सवाल था आपका? बहुत excited. देखो ये इतना excited है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा. He is very excited. और let me tell you, ये पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा कौन सा वेन्यू होगा, इंडस्ट्री फ्रेंड्स कौन से होंगे, नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स कौन से होंगे, सब कुछ. बिकॉज आई फील रियली हैप्पी, आई फील रियली सक्सेसफुल. यू नो नेम फेम ये सब है, उस चीज़ की कदर है, रिस्पेक्ट है. बट आप देखिए, सिर्फ नेम और फेम इंसान को खुश नहीं रख सकता. One has to feel happy, and I feel very blessed. I feel really happy because you know, personal life, professional life, dono mein I'm blessed with the best. Personal life mein I'm blessed with the best family. I'm blessed with Poonam. Professional life mein I'm blessed with the top show of Indian television, which is doing extremely well. So I feel really happy, and when I feel happy, I feel successful. So I want to celebrate my success on my birthday. एक्चुअली कनेक्शंस आधे मेरे हैं,
आधे उसके हैं। आई एग्री। सो हमने उसको मिक्स करके इतना बड़ा ग्रुप बना लिया है कि आई थिंक या हम दोनों के मिक्स कनेक्शंस हैं। और पूनम के हैं कुछ फ्रेंड्स मेरे हैं, एंड क्योंकि पूनम मेरी फियांसे है तो इसके फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स बन गए, मेरे फ्रेंड्स इसके फ्रेंड्स बन गए, और इस तरह से हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया जिसका नाम है मुई फैमिली। यस, 26 लोग हैं, सारे आज यहाँ आने वाले हैं। एंड वी फील रियली ब्लेस्ड कि हमारे पास इतने अच्छे लोग हैं मुंबई में कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो 3-4 बजे सो वी कैन गो टू देम एंड टेल देम सी वी आर लिसन वी आर इन दिस। या हमने अक्सर सुना है लोगों से कि यार हमारे तो दोस्त ही नहीं है, वी फील वेरी लोनली बिकॉज मुंबई जैसे शहर में सब लोग बिजी होते हैं। हम लोग बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं लोगों के पास एक दो दोस्त नहीं है, हमारे पास 26 दोस्त हैं। सो एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, एक्सट्रीमली ब्लेस्ड। यस, बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। फर्स्ट सरप्राइज इसका जो बर्थडे केक है वो इसके लिए सरप्राइज है, देन कल का पूरा दिन सरप्राइज है, इसको छोटे 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 सरप्राइज हर एक घंटे के लिए मैंने प्लान किए हुए हैं, उसको मिलते जाएंगे। सो लेट्स सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर सरप्राइजेस बिकॉज़ आई लव सरप्राइजेस। हाँ, इसको सरप्राइजेस पसंद है तो मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था सरप्राइज प्लान करना। इसको सरप्राइज अगर प्लान करना मेरे लिए तो वो डिफिकल्ट होता है क्योंकि मुझे बहुत ऐसे क्यूरियस हो रहती हूँ कि क्या है क्या है, मुझे जानना, मुझे जानना है। यस, जान खा जाती है, बताओ क्या सरप्राइज है, बताओ क्या सरप्राइज है, जब तक जान नहीं लेती तब तक मेरी जान खा जाती। हम लोग भी क्यूरियस होते हैं बट डिपेंड करता है, मैं जानता हूँ कि सरप्राइज प्लान करने में बहुत एफर्ट्स जाते हैं, सो आई डोंट वॉन्ट हर एफर्ट्स टू गो वेस्टेड। आपको पता है अगर छुट्टी नहीं होती तो भी इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज, छुट्टी हो या आप काम कर रहे हो। हाँ, अगर शिफ्ट दो यूनिट 2-2 की है या शाम को 7-7 की, देन यू कैन नॉट हेल्प इट, बट 9-9 की है तो अक्सर जिसको आना होता है वो 10-10:30 तक आ जाता है। सो मेरे कुंडली भाग्य के जो भी करीबी दोस्त हैं वो आ रहे हैं, बहुत बहुत बहुत, बिकॉज एवरी वन ऑल माई फ्रेंड्स नो that I love having fun and I love dancing, I love celebrating life. तो हम लोग बहुत डांस करने वाले हैं, बहुत धूम धमाल मस्ती करने वाले हैं। Yes. पुरानी बातें याद की जाए तो कौन सा बर्थडे आपका बहुत स्पेशल रह चुका है और कौन सा एक गिफ्ट जो मेरे सारे बर्थडे बहुत अच्छे गए हैं। पूनम के आने से पहले फैमिली के साथ मनाता था, पूनम के आने के बाद पूनम के साथ मना रहा हूँ, फ्रेंड्स फ्रेंड्स के साथ भी। और या पूनम के आने से पहले 2 साल फ्रेंड्स के साथ भी मनाया था, वो इतने अच्छे नहीं थे, जब से मैं आई हूँ तो इसके बर्थडे ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। आई एम वेरी चूजी अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स, तो एवरी बर्थडे हैज़ बीन स्पेशल बिकॉज इट हैज़ बीन स्पेंट विद स्पेशल पीपल ऑन अ स्पेशल डे, बट ये वाला जो है ये अभी तक का सबसे स्पेशल होने वाला है। यस, विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे एंड यू नो आई लव यू एंड जो भी आप चाहते हो आपको सब मिले, आने वाला साल आपके लिए और सक्सेसफुल हो, आप अपने करियर में और आगे बढ़ो और नेक्स्ट ईयर मुझे शादी कर लो, मुझे शादी कर लो। यस, डन, थैंक यू। कपल पोज गोल्स, गोल्स, ओके, नहीं हम आई थिंक वो नेचुरल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हाँ ऑर्गेनिक तो क्योंकि मोमेंट्स मोमेंट्स क्रिएट करने से अच्छा मोमेंट्स अपने आप क्रिएट हो जाए वो ज़्यादा बेटर है। एंड हम लोग यू नो अगर एक दूसरे पे हमें गुस्सा भी आता है तो हम दोस्तों के सामने लड़ लेते हैं, ये नहीं दिखाते कि हम लोग आप लोगों के सामने बहुत स्वीट है और पीछे से हम लड़ रहे हैं। जब भी हमारा झगड़ा होता है पूरे हमारे ग्रुप को बताते हैं, ओ अच्छा इनकी लड़ाई हुई है, कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में लड़ाई होती होती है। एग्जैक्टली, तो हम लोग बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते हैं। क्या दिक्कत
अभी रात को 9 बजे खुला रहता है ना 9 बजे हाँ बताओ।